हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। तो अभी के बज रहे हैं 6:30 और आप सभी गुड मॉर्निंग। तो आज हम कौन सी रेसिपी बना रहे हैं, तो चलो चल कर दिखाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारी दाल बॉईल हो चुकी है, तो ये तुअर की दाल, तो दूसरी दिन ये बॉईल हो चुकी है। यहाँ पर हमने 1 चम्मच ऑयल डाला था और उसके बाद मैंने 1 चम्मच जीरे डाले थे। जीरे जैसे चटकने लगे, उसके बाद मैंने 2 चुटकी हींग डाली थी, वो भी अच्छे से हो चुके क्योंकि हमारे पास गर्म मसाला नहीं था, तो हमने उसमें नहीं डाला था। ये सारे आइटम थे हमने काट के रख लिए थे। फिर 4-5 लहसुन की कलियाँ थी, 2 टमाटर थे, धनिया पत्ती और 4-5 हरी मिर्च थी, 1 प्याज थी। तो ये सारी चीज़ें हमने कट कर ली थी। तो चलो अब हम डालते हैं पहले सबसे पहले लहसुन। तो हमने उसमें लहसुन डाल दिया है। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हमने ले लिए प्याज हरी मिर्ची, दोनों को साथ में मिक्स कर लिया क्योंकि लहसुन अच्छे से हो चुका है। हमने प्याज हरी मिर्ची डाल दी। कुछ और बची हुई तो दही भी डाल देते हैं। अब इसको हम चला देते हैं एक बार। नहाया जाओ, नहा के आओ, जल्दी जाओ, नहाया पहले मारेगी मम्मा। अभी हमारी प्याज मिर्ची हुई नहीं है, अच्छी कड़क हो जाएंगी, उसके बाद हम डालेंगे उसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो इसको यहाँ रख लेते हैं। प्याज हो चुकी है, हरी मिर्ची कुछ हो चुकी है फ्राई, कुछ नहीं हुई है, तो इसको बोलने लगे। फिर उसके बाद ही फाइनली हो चुकी है। अब डालते हैं इसमें टमाटर। इसको फ्राई करते हैं, तब तक हम देखते हैं हमारी दाल का क्या हाल है। सीटी खोल लेते हैं, तो हम मोबाइल रखते हैं, ये देखना से खुलेगी सीटी। खोल ली है, अब इसको हम डाल चुकी है बॉल, क्योंकि हमने 2 सीटी ली थी, 1 सीटी हमने निकाल ली थी, तो एक हमने इसमें लगा ली थी और दूसरी हमने इसको निकाल ली थी। तो देखिएगा हमारी दाल जो हलवा नहीं हुई है लेकिन अच्छे से गल चुकी है। तो 2 मिनट के लिए और फ्राई करते हैं टमाटर को, ताकि अच्छे से गल जाए। उसके बाद हम डालते हैं बॉइल। टमाटर हो चुके हैं, अब इसमें ऐड करने वाले हैं हमने
दाल डाल दी है, बाकी की जो बची हुई चीज है तेज करते हैं गैस को। तो ये डाल देते हैं, अब इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं। तब तक के लिए हम 2 सेकंड के लिए वेट करते हैं, क्योंकि अभी हमारा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। उतने तो बेस्ट जाते इसलिए इसलिए हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है, तो इसमें हम डालते हैं धनिया पत्ती जो हमने पहले ही काट ली थी। तो फाइनली हमारी तुअर की दाल बनकर रेडी है। देखिएगा तो गाइस अब हम यहीं पर ओके करते हैं, हम किचन में चलते हैं। तो देखिएगा हमने चपाती पहले ही बना ली है, देखिएगा। और ये इस आटे को हम इसमें कर देते हैं, इस वाली तपेली में। आप लोग जो भी बोलते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, क्योंकि गांव की लैंग्वेज है ये, यहाँ पर तपेली बोला जाता है इसको।